नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना खुशी राम मल्होत्रा घुमंत्रू। अभी सुबह के 6:45 हुए हैं और हम लोग आज जा रहे हैं राजस्थान। राजस्थान जाने की तैयारी हुई जी एकदम ही। अभी हम आगे चलते हैं और बताएंगे, 2-3 पॉइंट हमने सेलेक्ट किए हैं, जैसे जैसे आगे जाएंगे और आपको आगे बताते रहेंगे। मिलते हैं आगे। गुड़गांव से होते हुए राजस्थान निकल रहे हैं हम लोग। सुबह का समय है, 7:22 हो चुके हैं, रश स्टार्ट हो चुका है। गुड़गांव DLF और हम लोग जा रहे हैं फिर एक बार अपनी गोरखा के साथ। काफ़ी दिनों बाद इसको निकले हैं लेके, देखो कितने दिन का टूर बनता है। 25 तारीख है आज, मानेसर 24 किलोमीटर। चलते जा रहे हैं फिर एक नए सफर की तरफ। राजस्थान जाते टाइम दोस्तों, अभी सुबह नाश्ता किया है, दारू अड्डे से थोड़ा सा पहले बसंत ढाबा है, 2 तंदूरी पराठे और चाय के साथ। अभी आपको एक चीज़ यहाँ और दिखाता हूँ, एक बहुत ही पुराना यहाँ ट्रैक्टर है, ये देखिए। ये बहुत ही पुराना ट्रैक्टर है, ये हिंदुस्तान कंपनी का होता है, क्योंकि मैंने 15 साल ट्रैक्टर रखे हैं तो मुझे इसकी नॉलेज है थोड़ी। इसका ट्रैक्टर का नाम हिंदुस्तान कहते हैं, बहुत ही ताकतवर ट्रैक्टर होता है। ये भारत में गिनती के ही होंगे। यहाँ के ढाबे वालों ने सेल्फी पॉइंट के चक्कर में इसका रंग लाल कर दिया है, इसका रंग पीला होता है। जब भी कभी आप पंजाब की तरफ अगर जाएंगे तो ये ट्रैक्टर कुछ नज़र आ जाएंगे। भारत में गिनती के ही ट्रैक्टर है, काफ़ी बहुत बड़ा ताकतवर ट्रैक्टर है। ये हम बसंत ढाबा है, नाश्ता कर लिया है, बीच में ये दो कोई बाइकर्स भी है, KTM। गुड मॉर्निंग ब्रदर, मॉर्निंग। कहाँ की जर्नी है आपकी? सर तो वहाँ पे दिल्ली। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आके। दिल्ली भी नहीं आए थे। अच्छा, ये बाइकर्स का कुछ शौक होता है, दिल्ली से सिर्फ चाय पीने के लिए आए हैं। शौक की कोई कीमत नहीं होती है, अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलना। चलो चलते हैं दोस्त आगे। हम लोग एक बार फिर अपनी गोरखा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये ढाबे के सामने की थोड़ी सी व्यू बना लिया है, बीच बीच में इसको देखना अच्छा भी लगता है, घुमाती रहती है हमारे को, और इसी की वजह से लोग बाग हमारे को पहचानने लगे हैं, गोरखा की पहचान। ये दोस्तों, अब हम जा रहे हैं सरिस्का जंगल की तरफ, और इस टाइम हम लोग हैं भिवाड़ी। भिवाड़ी से होते हुए हम लोग सरिस्का जा रहे हैं। ये रास्ता तिजारा, टापूपुरा, करौली, खुसखेरा, भिवाड़ी से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले वाली कुछ वीडियो में भी बताया था, इस गाड़ी की 900 RPM कंपनी इस पर सेट करके देती है, और उसके बाद आप इसमें देखिए, इस टाइम ये गाड़ी चल रही है मेरी 80 की स्पीड के अंदर। अगर ये 80 की स्पीड पकड़ती है ये गाड़ी तो सिर्फ 1500 RPM ही लेती है, और 2000 RPM पे आते के साथ ही 90 पे आ जाती है, और थोड़ा सा और आगे जाते के साथ ही, मतलब 3000 RPM से कम नहीं, उसमें 100 की स्पीड पे होती है गाड़ी। इस स्पीड पे चलाने से इसमें देखिए एवरेज, ये देखिए बिल्कुल 1500 RPM के आसपास गाड़ी लेती है 80 की स्पीड में।
ये हम जा रहे हैं तिजारा के पास से, साथ में देखिए किसानों की खेती। मैं जब भी कभी इनको खेती को देखता हूँ तो कुछ उत्साहित हो जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हरियाली देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तिजारा वाले रोड से जा रहे हैं, अभी हम तिजारा पहुँचने वाले हैं। अलवर यहाँ से अभी 20 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन साथ का जो दृश्य है बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ये देखिए बीच बीच में अलवर से पहले पहाड़, क्या शानदार मनोहर दृश्य है, बिल्कुल मन खुश हो जाता है ऐसी जगह देख के। खुले खुले, हम लोग दिल्ली में रहने वाले, भीड़ भाड़, और यहाँ देखिए आदमी के साथ तो गाड़ी भी प्रसन्न हो जाती है, यहाँ पर तो वो भी खुश हो जाती है कि वाह सिर्फ दौड़ना जानती है मेरी, हरियाली हरियाली है, वाह। राजस्थान की छटा 80 रुपए का एक ही बार भिवाड़ी में टोल दे दिया था, 3 पॉइंट पर्ची देख देख के आगे बढ़ते जा रहे हैं बस। बीच में देखिए कैसे कैसे पहाड़ और बढ़िया आ रहे हैं, और ये गोरखा की परफॉर्मेंस, अपनी गोद में बिल्कुल ऐसे बिठा के ले जाती है, कोई किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं आने देती है, सब कुछ अपने ऊपर ही झेल देती है। ये हमारे भोलेनाथ जी भी हमारे साथ जा रहे हैं। ये हम लोग जा रहे हैं जी अब अलवर से सरिस्का की तरफ। ये छोटा सा एक रोड है और साथ में पहाड़ियों के बीच में से रास्ते जा रहे हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। साथ में पहाड़, ये दो लाइन का ही रोड है, ज़्यादा चौड़ा रोड नहीं है, इसको जयपुर रोड बोलते हैं, यहाँ से जयपुर जाते हैं ये रास्ता जा रहा है। साथ में बहुत हरियाली है, खेती है ये चारों तरफ। हम लोग आगे बढ़े जा रहे हैं, देखिए कैसे हरियाली के बीच में से गुजर रहे हैं हम लोग। 17 किलोमीटर बता रहा है जी अभी यहाँ से सरिस्का। करीब 5 या 6 साल पहले आया था मैं यहाँ, लेकिन अब और उसमें काफ़ी फ़र्क है। ये दोस्तों अलवर से हम जब निकल रहे हैं तो बीच में बहुत ही अच्छी जगह एक पड़ रही है, देखिए छोटा सा एक पुल है और पहाड़ी इतनी बढ़िया, और पीछे मंदिर है, काफ़ी लोग आ जा रहे हैं, काफ़ी मान्यता है, लोग प्रसाद वगैरह चढ़ा रहे हैं, भगवान देव नारायण जी का मंदिर है, और हम लोग अपनी गोरखा के साथ में जा रहे हैं। इसका बोनट खुल जाता था उस दिन, मैंने खुद ही ठीक किया है। और ये हमारी पत्नी श्री भी हमारे साथ जा रही हैं, भगवान जी को प्रणाम कर रहे हैं हम यहाँ से, हमारी यात्रा मंगलमय करे। ये देखिए पगडंडी, यहाँ से बहरे नहर है कोई, जा रही है पहाड़ों के बीच में से। बढ़ते हैं आगे। ये दोस्तों जब हम रास्ते में जा रहे हैं सरिस्का के लिए, देखिए बीच के अंदर ही ये हमारे को एक किला नज़र आया है, अब मुझे इसका नाम तो पता नहीं, लेकिन देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, प्राचीन, साथ में ही पहाड़ियाँ हैं, ये किला है, और ये वो रास्ता है। देखिए बीच में जानवर वगैरह जा रहे हैं, थोड़ा जंगल का एरिया आ गया, जगह जगह इन्होंने बोर्ड लगा रखे हैं कि टाइगर का एरिया स्टार्ट हो चुका है, आप रोड के किनारे गाड़ियाँ वगैरह ना खड़ी करें। ये है वो किला, ये चलते हैं आगे जी।
ये सरिस्का टाइगर रिजर्व हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। कभी 8 किलोमीटर बता रहा है, कहीं कुछ आगे बता रहा है। लोकल आदमियों से पूछते हैं, ये दो रास्ते जा रहे हैं, एक नया रास्ता इन्होंने निकाला कोई, ये होटल टाइगर डेन देखते हैं। ये जी हम पहुँच गए हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व पार्क के अंदर। ये रास्ते से हम आगे पांडू पोल को जा रहे हैं। यहाँ हमारी गाड़ी की इंट्रिया वगैरह होंगी, गाड़ी चेक होगी, देखते हैं जी गाड़ी साइड में लगा के। काफ़ी गाड़ी भीड़ है, काफ़ी इधर जंगल है, ये सामने गेट है। ये जी हम घुस गए हैं जी सरिस्का वन विभाग के अंदर। 385 रुपए की टिकट हो गई है जी। अब पहले हम किसी टाइम में आए थे सर 30 रुपए 40 रुपए की होती थी, गवर्नमेंट रेट बढ़ाई जा रही है। अब हम लोग जा रहे हैं पांडू पोल और ये जंगल का एरिया हो चुका है चालू, और इन्होंने एक टिकट के साथ में एक कार्ड देते हैं इंस्ट्रक्शन के लिए, उसमें सारी शर्तें लिखी होती है कि आप धूम्रपान नहीं करेंगे, कहीं रोड पे गाड़ी को रोक के गाड़ी से नीचे नहीं उतरेंगे, कहीं अलग और जगह पे भी नहीं जाएंगे कच्चे रास्ते पे। ये सामने देखिए जी गाड़ियों के काफिले के काफिले जा रहे हैं पांडू पोल ये, और यही चीज मेरे पीछे भी बहुत सारी गाड़ी हैं। देखिए जगह जगह छोटे छोटे से रास्ते हैं कच्चे, और ये गाड़ियों के काफिले देखिए कहाँ ऊपर तक आगे तक, ये देखिए गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ जा रही है सब। हम जंगल के बिल्कुल बीचों बीच जा रहे हैं। सिर्फ मंगलवार और शनिवार को ही यहाँ की एंट्री है, बाकी दिन आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से नहीं जा पाएंगे, ये बंद रहता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व देखते हैं कुछ नजर आएगा आगे जानवर वगैरह, पिछली बार तो बहुत सारे नजर आए थे। जंगली बिल्ली, जंगली बिल्ली की है, जगह जगह वो लगी हुई है। देखिए गाड़ी के काफिले कैसे जा रहे हैं, ये जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है। मंगलवार और शनिवार को जाने देते हैं, आजकल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है बारिशों के चक्कर में। जब भी बारिश होगी दिल्ली में जितने भी भारत में जितने भी टाइगर रिजर्व पार्क हैं सारे के सारे बंद कर देते हैं, और ये नवंबर में खुलेंगे, क्योंकि बारिशों के अंदर अगर कोई टूरिस्ट की गाड़ी फंस गई कोई जानवर उन पर अटैक कर सकता है, इसलिए उनको बंद कर दिया जाता है। ये जंगल ही जंगल है पूरा पूरा जहाँ से हम जा रहे हैं। आगे कुछ जानवर भी नजर आएंगे, पिछली बार हमारे को लंगूर सुअर सांबर हिरण और मोर बहुत ही बड़ी संख्या में नजर आए थे। यहाँ पर आपको एक कार्ड दिया जाता है, उसके बीच में आप लोग इसको नहीं उतर सकते हैं, कि अगर कल को कोई जानवर का कोई हादसा हो जाता है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। ये हिरण सुअर ये देखिए लंगूर ये मोर भी है, ये पिछली बार भी आए थे हमारे को काफी नजर आए थे, वो हिरण भाग रहे हैं। ये मोर लंगूर ये देखो जी सुअर वगैरह है, जंगली सुअर। आगे तक पूरा ये लंगूरों का पूरा समूह बैठा है, देखो ये जंगली सुअर लंगूर बैठे हुए हैं। थोड़े से हिरण वो देखिए हिरण नजर आ रहा है, वो रहा सामने हिरण।
जूम करके पूरा नज़ारे। ये जंगली सुअर है, ये लंगूर बैठे हुए ऊपर पेड़ों पे, और पीछे उनके बिल्कुल पीछे देखो हिरण भी जा रहा है। मोर भी है, छिलके भी खा रहे हैं। बंदर, लंगूर, जब हम पिछली बार आए थे तो उस टाइम मेरे पास सफारी स्ट्रॉम थी और हमारी गाड़ी के ऊपर एक लंगूर बैठ के कम से कम 1.5-1.5 किलोमीटर तक हमारी गाड़ी पे बैठ के भी गया था। ये मोर पिकॉक नहीं। यहाँ सरकार ने बिजली की जगह सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके, देखिए ये पाइप से पानी यहाँ आ रहा है, सौर ऊर्जा से ये पंप चलता है। ये टाइगर का एरिया स्टार्ट हो चुका है, लेकिन टाइगर कहीं से भी आ सकता है। ये सामने मोर, ये जंगली सुअर तो यहाँ काफ़ी नज़र आए हैं, हिरन भी बहुत नज़र आए हैं, लेकिन वो इस टाइम झाड़ियों में छुपे बैठे हैं। ये रे जंगली सुअर, ये लोग वह खाना यहाँ डाल जाते हैं। ये पहाड़ी क्षेत्र है थोड़ा सा, कहाँ पर है ना जी? ये हिरन नजर आया जी, बिल्कुल साफ बढ़िया तरीके से। ये हिरन का जोड़ा, ये लंगूर भी है, मेरे दो लंगूर दिखा दिए थे। देखिए गाड़ी का काफला, गाड़ी का काफला भी दिखाइए, कितने लोग बाग जा रहे हैं, क्योंकि छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। गाड़ियों के काफले जा रहे हैं, ये हिरणों का पूरा झुंड, ये पूरा झुंड जा रहा है। काफी जानवर नजर आए हैं हमारे को, लंगूर, बंदर, सुअर, सांभर भी कई कई जगह छुप के बैठे हुए हैं। सांभर जो बड़े वाले होते हैं, नील गाय, वो भी नजर आई है कई जगह। ये पूरा झुंड जा रहा है, ये लंगूर है, यहाँ तो बहुत सारे पीछे भी हैं, पीछे भी लंगूर बैठे हैं बहुत सारे। आगे गाड़ियाँ चेक हो रही हैं जी, आप क्या सामान लेके जा रहे हैं। दोस्तों जंगल के बीच में रुके हैं ज़रा थोड़ा देखने के लिए, और यहाँ पर इनका रेस्ट रूम है। टाइगर रिजर्व वालों के मकान वगैरह गाड़ियाँ चेक करते हैं, बहुत से लोग बाग यहाँ पर सामान वगैरह लेके आते हैं जानवरों को डालने के लिए, ये उन लोगों को चेक करते हैं, उनका सामान यहाँ से निकाल लेते हैं। ये आगे दो रास्ते यहाँ से जाते हैं, एक रास्ता चला जाता है अलवर की तरफ और दूसरा टहला जगह है जहाँ से हम जाते टाइम खाटू श्याम जी के यहाँ से हम जाएंगे। ये वो यहाँ का रास्ता है, ये पूरा जंगल का एरिया है। ये बीच में से जाके चेकिंग पॉइंट है, यहाँ गाड़ियाँ चेक करते हैं लोगों की कि कोई संदिग्ध सामान तो नहीं है, और वैसे खाने पीने का जानवरों का सामान को चेक करते हैं। जगह को बोलते हैं काली घाटी।
चल रहे हैं, हम लोग भी आगे चलते हैं। अभी यहाँ से 11 किलोमीटर है पांडू पोल। ये सांबरों का झुंड मिल गया जी। एक शीशा थोड़ा सा नीचे कर देना। ये सांबर मिल गया जी, सांबरों का झुंड। यही सब चीजें देखने में मजा आता है। वो हमें देख रहे हैं। हाँ जी, हम आपकी बस्ती में आए हैं। क्या देख रहे हो? आओ 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 ले आ आ आ। ये सरिस्का जंगल के बीचों बीच जा रहे हैं जी, और यहाँ नेटवर्क नहीं आते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा आप लोग। बात ध्यान नहीं इस चीज़ का, यहाँ नेटवर्क बिल्कुल भी गायब हो जाते हैं। 1-1.5 किलोमीटर के बाद में नेटवर्क यहाँ पर बिल्कुल बंद हो जाते हैं। ये देखिए जी, इसी को देखने के लिए हर बंदा यहाँ आता है। यहाँ की हरियाली, यहाँ के जानवर, चिड़ियाघर के अंदर कुछ अलग मज़ा है, यहाँ कुछ उसका अलग मज़ा है। उन्नीस किलोमीटर का सफ़र है जी हमारा यहाँ से, जो बाहर से हम आते हैं। अब जाते टाइम हम अंदर दूसरे रास्ते से जाएंगे। दोस्तों यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ है, ज़बरदस्त तरीके से। इतने जंगल के अंदर भी जाम है। तो पीछे तक देखिए, पूरे में जाम। हमने अपनी गाड़ी पीछे 0.5 किलोमीटर दूरी छोड़ दी थी जाम की वजह से। ये पहुंच गए हम लोग पांडू पोल।